हरिद्वार की इस पावन धरती पर आपने बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाने का जो महान कार्य किया, पवित्र कार्य किया, बुद्ध पूर्णिमा पे हमारे जहन में, हमारे इतिहास में 3 तारीखें बुद्ध के जीवन से जोड़ी जाती हैं। बौद्धाचार्य जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि त्रिविध तारीखों का समागम है। आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने अपना शरीर जो पाया उसे पूरा किया। पर मैं 3 तारीखों का समागम नहीं बताने आया आपको, मैं केवल 1 ही तारीख का समागम बताने आया हूं। पृथ्वी पर जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, पृथ्वी पर जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। पृथ्वी जगत पे जितने भी जीव होते सब जन्म पाते हैं। राजा के घर में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, गरीब के घर में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, या पशु पक्षी में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म लेना सभी को मिल रहा है। कि कौन सा सिद्धार्थ को अनूठा मिला था? जन्म तो सभी को मिला, और जिसको जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो चुकी, मौत निश्चित है। मौत भी सामान्य घटना है, जन्म भी सामान्य घटना है, पर संबोधि सामान्य घटना नहीं है। संबोधि पूरे जगत में सामान्य घटना नहीं है। जन्म सामान्य घटना हो सकती है, मरण सामान्य घटना हो सकती है, पर संबोधि सामान्य घटना नहीं है। क्योंकि जन्म तो आपने भी पाया पर संबोधि तो नहीं पाई, मरण तो आप भी पाओगे पर संबोधि ना पाओगे। जो तारीख जीवन के महत्वपूर्ण है, जिसने जन्म और मरण के बंधन को भी तोड़ दिया, हम उस तारीख की चर्चा कर रहे हैं। अगर शायद सिद्धार्थ के जीवन में संबोधि ना होती तो हम जन्म भी भूल जाते, हम मरण भी भूल जाते। जाने कितने पैदा हुआ कि सिद्धार्थ के परिवार खानदान में, हमको तो तारीख याद नहीं है, हमको तो स्थान भी याद नहीं है। तो ऐसा क्या कि सिद्धार्थ का ही याद है? क्योंकि सिद्धार्थ जन्म से महान नहीं है, सिद्धार्थ उसी नगर में शरीर पूरा कर रहे महान नहीं है, पर सिद्धार्थ गया की धरती पर ज्ञान प्राप्त कर रहे ये महान है। इसका महत्व है, हम इस महत्व को कैसे भूलते जा रहे हैं। एक बार आनंद, जब बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद लगता कि अब शरीर पूरा होने वाला है, काया जर्जर हो चुकी है, काया के अंदर ऊर्जा समाप्त होती जा रही है, शरीर का पूरा समय हो चुका है, मुझे विदा होना पड़ेगा। ये बात सुन आनंद घबरा गया। आनंद घबराया और तथागत बुद्ध से कहने लगा, हे शास्ता, हे तथागत, आप चले जाओगे तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? ये आनंद कैसे मुक्त होगा? इस आनंद को मुक्ति का उपदेश देकर चले जाओ। आनंद को तो चिंता बुद्ध के जाने की थी, पर बुद्ध को चिंता अब आनंद की यह बात सुनकर होने लगी। बुद्ध ने जैसे ये बात आनंद की सुनी और आनंद से कहा कि आनंद, ये बात शायद अगर कोई और कह देता तो मैं मान भी लेता, मैं विचार भी कर लेता, पर आनंद तुम्हारे मुख से ये शोभा नहीं देता, ये वचन मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मेरे जीवन के साथ 32 साल रहा हो, मेरे बाद मेरे द्वारा बोले गए उपदेशों को सबसे ज्यादा कंठस्थ किया हो, उनमें नाम तुम्हारा आनंद आता है, और
आनंद 32 साल रहने के बाद सबसे ज्यादा उपदेशों को कंठस्थ करने के बाद भी यह कहे कि मुझे मुक्ति नहीं मिली आनंद, तो ये तो बड़ा विचारणीय विषय हो गया। ये तो बड़ा विचारणीय विषय हो गया कि आनंद आप दोबारा से कहते हो कि मुझे ऐसा उपदेश दे दो। अरे जिसको हजारों हजारों उपदेश सुनने के बाद मुक्ति ना मिली हो, वो मेरे अंतिम उपदेश में कैसे मुक्ति पाएगा? ये बात समझ में नहीं आती। पर बुद्ध बहुत ही दूरदर्शी है। बुद्ध ने दूरदर्शिता से देखा कि आनंद की समस्या क्या बनी हुई है, और वो समस्या समाज में बनी हुई है। वो समस्या समाज में बनी हुई जो समस्या आनंद को बनी थी। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद मुक्ति तो मिल जाती, पर मुक्ति तभी मिलती है जब अपने आप को बाहरी चीजों से मुक्त करते हो। बाहर से ही मुक्त नहीं होगे तो आंतरिक कैसे मुक्ति मिलेगी? आनंद ने कहा कि शास्त्र बात समझ में नहीं आई। बुद्ध ने कहा कि आनंद सुनो ध्यान से मेरी बात, कि तुमने मुझे पकड़ा है। 32 साल मेरे साथ साए के साथ बनकर चलते रहे, सीखते रहे, और बस दिन मन में ध्यान यही रहा कि बुद्ध मेरे शास्ता है, बुद्ध मुझे मुक्ति दिलाएंगे। ये 32 साल अभ्यास तुम्हें तुम्हारे मुक्ति पद से दूर कर रहा है, तुम्हें मुक्ति का पद ना दे सका। तुमने बार बार मन में ख्याल यही किया कि बुद्ध है तो मुक्ति है, बुद्ध ना तो मुक्ति ना। आज मैंने तुमसे ये क्या कह दिया कि मेरे पास जाने का समय हो गया, तुम चिंतित तो उठे, तुम्हारे पैरों तले की जमीनें खिसकने लगी, तुम्हें लगने लगा कि अब मेरा कोई मार्ग नहीं बचा है, कौन मुझे मार्ग पे लेकर चलेगा? जो आज पूरे भारत के अंदर बहुत सारे बुद्धिस्ट समाज के लोग बार बार बोलते हैं बुद्ध ने कहा अत्यधिक प्रभाव, जरा सी चर्चा नहीं होती, ज्ञान की चर्चा जैसे श्री तुरंत हम शब्द बोल देते हैं, बुद्ध ने कहा अत्यधिक प्रभाव, अपना स्वामी अपना ज्ञानी खुद बन जाओ। पर कभी यह नहीं सीखा, कभी यह नहीं सीखा कि बुद्ध ने जब यह बोला तब उसे बोलने में कितने साल लगे, बुद्ध को यह शब्द बोलने में कितने साल लगे? पूरे 45 साल लगे। बुद्ध ने शुरू में नहीं बोला, दूसरे साल में नहीं बोला, पांचवें साल में नहीं बोला, ना 30 साल में बोला, ना 40 साल में बोला, पूरे 45 साल के बाद बोला आनंद से कि आनंद मुझसे मुक्ति पाओ, मेरा बंधन से मुक्ति पाओ, मेरा साथ छोड़ दो आज। और तब उपदेश बुद्ध ने आनंद को दिया अत्यदीप भाव। अत्यदीप भाव, कोई स्वामी बाहर नहीं है, कोई मुक्तिदाता बाहर नहीं है। मैंने तो केवल तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया है, मुक्ति के दाता स्वयं हो। हे आनंद, मुक्ति के दाता स्वयं हो, कोई मुक्ति का दाता बाहर नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारे लिए एक मार्ग का दाता, मार्ग दिखाया। इस मार्ग पे चलना ना चलना तो तुम्हारा चिंता का विषय, तुम्हारे कल्याण का विषय। और ध्यान देना, आनंद ने बुद्ध की ये बात सुनी, शांत हो गया, स्वभाव शांत हो गया, बुद्ध को वंदन किया, उसी रात ध्यान में गया। सारा ख्याल आनंद ने मिटा दिया अपने मन से कि मेरे मन में कोई शास्ता बुद्ध नाम का है। बुद्ध ने उपदेश अत्यदीप भव कर दिया, और बुद्ध ने यह कहते हुए दिया कि आनंद मुझे जब ज्ञान हुआ था, मेरे साथ 5 और सन्यासी थे, मेरे साथ और 5 सन्यासी थे, मैं आलार कलाम के आश्रम गया तब ज्ञान नहीं हुआ। जब मैं दुनिया के सबसे जाने माने ऋषि के आश्रम में रहा तब मुझे ज्ञान नहीं हुआ। 5 ऐसे सन्यासियों की साथ रहा जिनको बहुत विद्या आती थी ध्यान की, तब मुझे ज्ञान नहीं हुआ। अलार कलाम का साथ छूट गया, 5 साथी सन्यासियों का साथ छूट गया, अकेला जंगल के वन में अकेला रह गया। अंतिम क्षण तो यह भी मेरा साथ छूट गया कि आज की रात मुझे कोई ज्ञान होगा। मैं तो विचार होकर बैठा था, मन में कोई विचार धारणा लेके नहीं बैठा,
निर्विचार हो गया, निर्मल चेतना हो गई और बस बैठ गया। मैं जैसे बैठा मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी चक्षु दिव्य शक्ति जागृत हो गई। कब मुझे पता चला कि जब मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा का प्रवाह हुआ कि मैं काया का नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे काया दिखाई दे रही थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा किसी से बंधन है। अब बंधन मुक्त दिखाई दे रहा था, काया मुक्त दिखाई दे रहा था। काया मुक्त का अर्थ होता है काया में वासनाएं होती है, काया वासनाओं से भरी होती है। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरे जो वासना इंद्रिया है वो इंद्रियाएं पूरी तरह से निर्मल हो चुकी है। आंख जब देख रही तो कोई रंग नहीं देख रही है, मेरी जब आंखें देख रही तो कोई रंग नहीं देख रही है, जब मेरी आंखें देख रही तो किसी को सुंदर असुंदर नहीं देख रही है, बस देख रही है, बस देखने का आनंद ले रही है, बस दिखाई जो दे रहा उसका कोई आनंद नहीं ले रही। मेरे कानों को जब जंगल से पशु पक्षियों की आवाज सुनाई दी तो मुझे ऐसा सुनाई नहीं दे रहा कि शेर गुर्रा रहा है, चिड़िया गा रही है, बस मुझे आवाज जा रही, उस आवाज का आनंद ले रहा था। ध्यान पड़ा कि अब मेरे किसी के प्रति कोई अवरोध ना रहा, कोई प्रतिशोध ना रहा, सब संयम हो गया। संयम कहते हैं सबका सब सही हो गया, पृथ्वी जगत में मेरा कोई अवरोध ना रहा। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम देखते तो हमें लगता है कि आरत साहब मेरे बड़े परिचय हैं, ये परिचय के लोग नहीं है। इसका अर्थ है आंखों में मेरी वासना देखने की, क्योंकि मुझे बस आरती साहब अच्छे दिखाई दे रहे, बाकी लग रहे कि अच्छे नहीं है मेरे लिए। क्योंकि मेरा रिश्ता है, संबंध है, बुद्ध ने कहा मुझे कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रिय नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई अप्रिय दिखाई दे रहा है। प्रिय से भी मुक्त, अप्रिय से मुक्त हो गया आनंद, तब मुझे ज्ञान हुआ था। आनंद वही अवस्था जगानी होगी, ज्ञान की अवस्था कोई आडंबर नहीं चाहती, ज्ञान की अवस्था कोई भी संस्कार नहीं चाहती। बुद्ध ने तो संस्कारों से मुक्त की बात बताई। एक बार मैं हरदोई जिले के अंदर अपनी धर्मदेशना दे रहा था। हमारे आपने भी यहां 5 मोमबत्तियां लगाई हैं, गिनो 5 लगी ना। जब मैं हरदोई जिले में गया तो हरदोई जिले के लोगों ने 3 मोमबत्तियां लगाई। अब उसी कार्यक्रम में पूर्वांचल से कुछ लोग चलकर आए आजमगढ़ से, उस आजमगढ़ से चलने वाले लोगों में एक बौद्धाचार्य थे, उन्होंने मेरे से कान में कहा बंती जी हमारे यहां 4 लगाई जाती है, बंती जी हमारे यहां 4 लगाई जाती है, और ध्यान देना पूरी बात का, 4 नहीं लगी तो हम कार्यक्रम का विरोध कर देंगे, हमें बर्दाश्त नहीं है। अब मामला त्रिकोणीय फंस गया, जहां कार्यक्रम हो रहा वो 5 के समर्थक है, नहीं जहां कार्यक्रम वो 3 के समर्थक है, वो जो कार्यक्रम में लोग हैं वो 4 के समर्थक हैं, और कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिल गए जो 5 के समर्थक थे, जैसे हरिद्वार के लोग। अब तीनों लोगों में विवाद शुरू हो गया, एक कहता है मोमबत्ती 3 लगेगी, एक कहता मोमबत्ती 5 लगेगी, एक कहता मोमबत्ती 4 लगेगी। जब विवाद बढ़ने लगा तो मैंने कहा कि तीनों लोग इधर आ जाओ। मैंने 5 वाले से पूछा पहले कि 5 वाले तुम बताओ 5 लगाना क्यों चाहते हो, जानते उत्तर कितना सरल कितना सटीक दिया। मैंने कहा बंते जी आपको नहीं मालूम है, मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, आप ही बता दो, मालूम होता तो शायद मैं लगा देता जाके। बोला भंत जी 5 इसलिए लगाते हैं कि पंचशील हमारे यहां होता है। माइक से बोला, मैंने कहा बोलो सबको, बोला कि पंचशील होता है, बुद्ध ने पंचशील दिया है। मैंने कहा उत्तर तो ठीक है, सटीक है, सरल है, सरल भी है सटीक भी है। मैंने 4 वाले को बुलाया, 4 वाले आप बता तो 4 क्यों लगाना चाहते हो। बोला कि भंत जी नहीं पता, मगर नहीं पता, बोले बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो 4 आर्य सत्यों पे दिया, 4 इसलिए लगाना चाहते हैं। उत्तर ये भी सटीक है, सरल उत्तर होगा, कोई भी गलत उत्तर नहीं है अभी तक। मैंने बोला 3 वाले भी आ जाओ, अब 3 क्यों लगाना चाहते हो।
और तीन वाले कहते भंते जी अब हमारी बात भी सुनना पूरी ध्यान से। मैंने कहा सुना दो। मैंने कहा तीन इसलिए लगाना चाहते हैं कि बुद्ध धम के अंदर ही त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध धम और संघ। सारी जनता ने बड़ा साधुवाद किया, तीनों के उत्तर सटीक है, अब हार तो कोई नहीं सकता। जब कोई परंपरा चलती है तो वो अपनी जान बचाने की भी तरकीब खोज लेती है, ध्यान देना। जब परंपरा चलती है अपनी जान बचाने की भी तरकीब खोज लेती है, पर उसे कभी धम नहीं कहा जा सकता। मोमबत्ती एक जलाओ या पांच जलाओ, इससे धम का कोई मतलब नहीं है। धम का मतलब यह है कि आप सील की बातों पे कितना व्यवहार करते, एक सील का व्यवहार करते, दो सील का व्यवहार करते, तीन सील का व्यवहार करते, चार सील का करते, पांच सील का, यह आधार होना चाहिए जीवन का। मोमबत्ती कोई आधार नहीं है।